गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं जगदीश प्रसाद मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आज का इसका टॉपिक मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3। आगे मैट्रिक्स आपके बोर्ड क्लासेज में बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का आता है। मैट्रिक्स बहुत ही सरल और अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें। तो आगे की परिभाषा देखने से पहले हम कुछ से उदाहरण देते हैं। जैसे कमल के पास 5 पुस्तकें और 6 कलमें हैं। विवेक के पास 4 पुस्तकें और 3 कलमें हैं। राधा के पास 7 पुस्तकें और 2 कलमें हैं। तो ये क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल तौर पर, तो इसे हमें मैट्रिक्स रूप में प्रदर्शित करना है। जैसे केवल 5 माने कमल के पास 5 पुस्तकें हैं, तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह मैट्रिक्स को हम बड़े ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब पुस्तकों के साथ माने 5 कलम पुस्तकें और 6 कलमें हैं कमल के पास, तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये 5 और 6, यहाँ पे ये 5 है तो पुस्तकों की संख्या है और 6 तो कलम की संख्या है, तो कलम को प्रदर्शित करती है। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, एग्जांपल को लेते हैं। कमल के पास 5 पुस्तकें और 6 कलमें हैं, विवेक के पास 4 पुस्तकें और 3 कलमें हैं, राधा के पास 7 पुस्तकें और 2 कलमें हैं। तो इसको विस्तृत रूप में हम किस प्रकार आव्यूह में प्रदर्शित कर सकते हैं, मैट्रिक्स रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? तो हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर पुस्तकों की संख्या रहेगी, यहाँ पर कलम, यहाँ पर नाम आ जाएंगे इनके, कमल, विवेक, राधा। तो पुस्तकें कमल कलमें, तो कमल के पास कितनी पुस्तकें हैं? 5 पुस्तकें और कितनी कलमें हैं? 6 कलमें। इसी प्रकार विवेक के पास 4 पुस्तकें और 3 कलमें। इसी प्रकार राधा के पास 7 पुस्तकें और 2 कलमें। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये पहली पंक्ति होगी, इसे R से प्रदर्शित करते हैं पंक्ति को, ये R1 होगी, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3। इसी प्रकार ये स्तंभ हो गए, स्तंभों को कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं C1, ये दूसरा स्तंभ है तो C2, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब इन्हीं को एक दूसरे तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि ऊपर नाम लिखते हैं और ऊर्ध्वाधर नाम लिखते हैं, क्षैतिज कलमें लिखते हैं, पुस्तकें और कलमें लिखते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे कमल, विवेक, राधा। यहां पर आ जाए पुस्तकें, यहां पर कलमें। तो कमल के पास कितनी पुस्तकें हैं? 5 पुस्तकें, 6 कलमें। विवेक के पास 4 पुस्तकें, 3 कलमें और राधा के पास 7 पुस्तकें और 2 कलमें। ये हो गया मैट्रिक्स रूप, ठीक है। अब यहां पर ये पंक्ति फर्स्ट होगी, यानी R1 पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है तो R2। इस तरफ चलते हैं तो ये पंक्ति होती है, और इस तरफ नीचे की तरफ चलेंगे तो ये क्या होगी? स्तंभ होगी R2। तो ये C1 कॉलम पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम।
इस प्रकार से दर्शित करते हैं। ठीक है, अब परिभाषा देखते हैं। आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह संख्याओं या फलनों का ऐसा आयताकार वर्गाकार समूह होता है जिसे क्या कहते हैं, आव्यूह, और उसमें पुलिष्ट पुलिष्टियों को क्या कहेंगे, आव्यूह के अवयव। ठीक है, तो अव्यूह को हम कैपिटल अक्षर कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए इक्वल कॉस थीटा साइन थीटा टैन थीटा कॉट थीटा। ये क्या है, एक अव्यव है जिसमें क्या है, फलन है, कौन से फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, त्रिकोणमितीय फलन, फंक्शन फलन। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बी एक चार पांच सात तीन दो, ये क्या हो गया, ये भी एक मैट्रिक्स है, अव्यव है जिसमें क्या है, संख्याएं हैं। इसी प्रकार एक और फंक्शन लेते हैं, ये आयताकार है दोनों, एक और अव्यव का एग्जाम्पल लेते हैं, दो तीन पांच चार सात नौ एक शून्य तीन, ये कैसा अव्यव है, ये वर्गाकार अव्यव है। तो अव्यव कैसा होता है, आयताकार और वर्गाकार समूह में बना हुआ है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें प्रविष्ट संख्याओं या को क्या कहते हैं, अवयव, प्रविष्ट को क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रविष्ट क्या है, इनको क्या कहेंगे, अवयव। ये पहला अवयव है, ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है, तो ए वन वन, ये ए वन टू, ये ए वन थ्री। अब अवयव का व्यापक रूप देखते हैं या अवयव की कोटि देखते हैं, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, इसी अवयव में प्रविष्ट संख्याओं पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की कुल संख्याओं को गुणा को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे एम पंक्तियां किसी अवयव में, एम पंक्तियों और एम स्तंभों वाला कोई अवयव हो तो उसकी कोटि क्या होगी, एम इंटू एन, और उसमें प्रविष्ट संख्याएं कितनी होगी, एम इंटू एन का गुणा के बराबर होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक जिसमें ए वन वन ए वन टू इस प्रकार से चलती जाएगी, तो ये क्या होगी, पहली पंक्ति अब एन वन स्तंभ, ए वन वन ए टू वन ए टू टू ये ए टू वन, इसी प्रकार से ये चलती जाएगी। तो यहां पर आएगा ए एन वन ए एन टू ए एन एन एम एन, सॉरी यहां पर एन है, ए एन वन ए एन टू ए एम एन। तो यहां पर एम पंक्तियां हैं और एन स्तंभ है, तो इस अवयव की कोटि क्या होगी, एम गुना एन, एम इंटू एन का अवयव। ये यहां पर पहले लिखी जाती है पंक्तियों की संख्या और बाद में क्या है, स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो यहां पर पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये कौन सा स्तंभ है, एन वा स्तंभ, ये पहला स्तंभ सी वन, ये दूसरा स्तंभ सी टू, ये एन वा स्तंभ यानी सी एन। इसी प्रकार ये पहली पंक्ति एन वन आर वन, ये दूसरी पंक्ति आर टू, ये एन ई पंक्ति आर एन। तो ये क्या हुआ, एन टू एन का अवयव हुआ। इसमें अवयव की संख्या, इसमें कुल कितनी प्रविष्टियां हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी होगी, एम इंटू एन के गुणा के बराबर होगी। देखो एम इंटू एन के गुणा के बराबर है, एम एन तक या ए वन वन से लेकर एम एन तक कुल प्रविष्टियां कितनी है, एम इंटू एन के गुणा के। अब संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं, बी चार पांच दो तीन एक दो, इसमें कुल कितने स्तंभ है, दो स्तंभ है, और कुल कितनी पंक्तियां हैं, तीन पंक्तियां हैं, आर वन आर टू आर थ्री, कुल कितनी पंक्तियां, तीन, सी वन सी टू, कुल कितने स्तंभ, दो,
ये तीन दो, तीन इंटू दो का अव्यय, तीन इंटू दो क्रम का अव्यय या तीन इंटू दो कोटि का अव्यय। तो इसमें कुल प्रविष्टियां कितनी होगी, अव्यय की संख्या कितनी होगी, तीन इंटू दो के गुणा के बराबर, यानी तीन गुणी छह। तो एक दो तीन चार पांच छह, आप एग्जाम्पल और से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि छह अव्यय है और इसकी कोटि कितनी है, तीन इंटू दो, दो स्तंभ और तीन पंक्तियां हैं, जिसे हम सकेंद्र रूप में इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि ए इक्वल ए आई जे एन इंटू एन। ए आई जे कुल अवे आई और जे, हम आई इक्वल वन टू एन और जे इक्वल भी वन टू एन, आई इक्वल वन टू एन और जे इक्वल वन टू एन, ए इक्वल ए आई जे एन टू एन, क्रम का अव्यय। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें बी में एक ए आई जे में आई कितना है, आई इक्वल वन टू दो तक है और जे इक्वल आई इक्वल वन टू थ्री तक, जे इक्वल वन और टू, ठीक है। अब आपकी बुक्स में से एग्जाम्पल देते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें पुरुष कर्मी, तीन फैक्ट्री है जिसमें पुरुष कर्मी और महिला कर्मियां क्या काम करती हैं। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, तीन फैक्ट्री है, फैक्ट्री पुरुष कर्मी और महिला कर्मी, तो फैक्ट्री फर्स्ट में कुल कितने पुरुष हैं, 30 पुरुष हैं और 25 महिलाएं हैं। दूसरी फैक्ट्री है उसमें 25 पुरुष हैं और 31 महिलाएं हैं। तीसरी फैक्ट्री है जिसमें क्या है, पुरुषों की संख्या 27 है और महिलाओं की संख्या कितनी है, 26 है। तो इसको अव्यय रूप में इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, मानस केतन मैट्रिक्स ए इक्वल 30 25 27, 25, 31, 26, ये कितने की है, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, जिसमें क्या है, सम पहला स्तंभ है वो पुरुषों की संख्याओं को व्यक्त करता है, पुरुष कर्मियों की संख्या को, तीनों फैक्ट्रियों में पुरुषों की संख्याओं को व्यक्त करता है, दूसरे स्तंभ है वो महिला कर्मियों को व्यक्त करता है। इसी प्रकार पहली पंक्ति है वो फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री को व्यक्त करती है, दूसरी पंक्ति दूसरी फैक्ट्री को और तीसरी पंक्ति तीसरी फैक्ट्री को व्यक्त करती है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, एक अवयव व्यक्त करना है जो जिसकी कोटि कितनी हो, 3 × 2, 3 × 2 कोटि का एक अवयव व्यक्त करना है, जिसके लिए ए आई जी इक्वल 1/2 आई माइनस थ्री जे, आई माइनस थ्री जे द्वारा व्यक्त किया गया है। 3 × 2 का अव्यय व्यक्त करना है, तो हम 3 × 2 का अव्यय किस प्रकार व्यक्त करेंगे, ए इक्वल ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू थ्री थ्री टू, तो ये क्या हो गया, 3 × 2 का अव्यय हो गया। तो इसमें ए वन वन का मान ज्ञात करते हैं और ए वन टू का, ए टू वन का, ए टू टू का, ए थ्री वन का, ए थ्री टू का, कि सभी छह प्रविष्टियां हैं, सभी छह प्रविष्टियों का अव्ययों का क्या मान प्राप्त हो जाएगा, तो हम इस अव्यय को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ए वन वन का मान ज्ञात करते हैं, ए वन वन में आई के स्थान पर क्या है, 1 और जे के स्थान पर भी 1, तो ए वन वन बराबर 1/2 आई के स्थान पर 1 रख देंगे और जे के स्थान पर भी 1 रख देंगे, 3 × 1, 3 × 1 3, तो 1 − 3 यानी -2, तो ये हो गया 1/2 -2, ये सारणी का स्थान रखा है, मोड़ का निशान नहीं है, तो मोड़ के अंदर वाली संख्या है, तो माइनस हो तो प्लस हो जाती है, प्लस हो तो भी प्लस ही रहती है, यानी मोड़ के अंदर की संख्या मोड़ हटाने पर धनात्मक हो जाएगी। तो ये 1/2 गुणा 2 यानी 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या मान हो गया, 1, तो ए वन वन का मान कितना हुआ, 1।
a11 इक्वल 1, इसी प्रकार a12 यानी i के स्थान पर 1 रखेंगे, j के स्थान पर 2 रखेंगे, तो इक्वल 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 2 6 यानी माइनस 5, मोड से बाहर करें तो 5, तो a12 इक्वल 5/2, a21 इक्वल 1/2, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, तो मोड से बाहर निकालेंगे, मोड हटाएंगे तो प्लस का वन हो गया, प्लस 1 इंटू प्लस 1 1, 1/2, तो a21 बराबर 1/2, इसी प्रकार a22 1/2, 2 माइनस 6 यानी माइनस 4, माइनस 4 मोड हटाएंगे तो प्लस 4, प्लस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, a22 बराबर 2, a31 इक्वल 1/2 मोड 3 माइनस 3 यानी शून्य, तो ये क्या हो गया, a31 का मान शून्य, a32 1/2 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 और मोड रहेंगे तो प्लस 3, तो 3/2, तो आलू ए का मान ये सभी प्रवेश किया, a11 a21 a22 a12 और a31 a32 का मान a में रख देंगे तो हम आलू का मान प्राप्त हो जाएगा, a इक्वल मैट्रिक्स a का मान होगा, मैट्रिक्स a की सभी प्रविष्टियां होगी 1/5/2, 1/2, 2, 0, 3/2, तो ये हो गया 3×2 का 40 का आव्यूह, जिसमें पहली पंक्ति का मान है 1 और 5/2, दूसरी पंक्ति 1/2 और 2, तीसरी पंक्ति 0 और 3/2, और पहले स्तंभ का मान है 1, 1/2 और 0, दूसरे स्तंभ का मान है 5/2, 2 और 3/2, ये सभी प्रविष्टियां कितनी है 6, 6 की 6 प्रविष्टियां हमने ए में अंकित कर दी है, और ये 3×2 का एक आव्यूह हो गया जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। अब आगे आव्यूह के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला प्रकार देखते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल स्तंभ हो, कोई भी पंक्ति ना हो, या केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें एक ही स्तंभ हो, पंक्तियां कितनी हो, एन तक हो सकती है, स्तंभ कितना होगा एक ही, तो इस प्रकार से a11 a21 a31 डॉट डॉट am1 जिसमें कुल पंक्तियां कितनी है m है और स्तंभ कितने एक ही है, तो ये n×1 का आव्यूह, स्तंभ आव्यूह n×1 का 1 का क्या करेंगे, n स्तंभ आव्यूह कहेंगे, जिसमें a i1 a इक्वल a i1 m×1, ये क्या है a इक्वल a i1 m×1 का स्तंभ आव्यूह, यहां पर i इक्वल 1 टू m। अब दूसरा लेते हैं पंक्ति आव्यूह, इसकी कोटि कितनी है m×1 कोटि का है और फिर इसका कुल कितनी होगी m×1 के गुणन के बराबर, दूसरा पंक्ति आव्यूह, जिसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या n तक हो सकती है, जिस पर एक वर्ग इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है a1j 1 into n equal a1 1 a1 2 dot 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 a1 n, 1 into n का पंक्ति आव्यूह,
पंक्ति आ गई वन इंटू एन कोटि का पंचायत शब्द कुल प्रविष्टि क्या हो गया किस संख्या क्या हो गई वन गुणा एन के बराबर होगी। ये देखो एक दो एन तक है। इसी प्रकार अगला प्रकार हम देखते हैं वर्ग का व्यू स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग का व्यू या स्क्वायर मैट्रिक्स तीसरा प्रकार है वर्ग का व्यू स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग का व्यू या स्क्वायर मैट्रिक्स एक आयु जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो या समान हो तो उसे क्या कहेंगे वर्ग आयु कहेंगे। जिसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं ए इक्वल ए आई जे एन इंटू एन जहां पर पंक्तियों की संख्या भी एन और स्तंभों की संख्या भी क्या है एन है तो ये ए आई जे एन इंटू एन कोटि का क्या वर्ग आयु जिसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है ए वन वन ए वन टू ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू वन ए एन वन ए एन टू ए एन एन ये एन इंटू एन का वर्ग अवयव है जिसमें अवयवों की संख्या कुल कितनी होगी एन गुणा एन के बराबर। एक संख्याओं के एग्जाम्पल देते हैं जैसे ए इक्वल तीन दो चार चार दो तीन चार ये क्या है तीन इंटू तीन का वर्ग आवयव है ये क्या है तीन इंटू तीन का वर्ग आवयव है और इसमें अवयव या कुल प्रविष्टियों की संख्या कितनी है तीन इंटू तीन के बराबर यानी नौ होगी। गिन के देख लीजिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ जिसमें ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। अगला प्रकार देखते हैं हम विकर्ण आवयव डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आवयव या डायगोनल मैट्रिक्स चौथा प्रकार है विकर्ण आवयव डायगोनल मैट्रिक्स एक वर्ग आवयव विकर्ण आवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी आवयव क्या हो शून्य हो। एक वर्ग आवयव यानी वर्ग आवयव एक वर्ग आवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी आवयव क्या हो शून्य हो तो वह क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आवयव होगा। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं ए इक्वल ए आई जे एन इंटू एन ठीक है जिसमें कोई शर्त लगा दी जैसे ए आई जे इक्वल शून्य इफ आई डज नॉट इक्वल जे ये क्या शर्त लगा दी यानी आई और जे किस बराबर नहीं होंगे तो क्या हुआ मान शून्य होगा। अब कैसे होगा शून्य ये देख लेते हैं ए मैट्रिक्स ए वन 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 ए वन वन यानी आई और जे वन दोनों क्या है बराबर है एक एक है तो यहां पर कोई भी मान जैसे पांच ए वन टू ए वन टू यहां पर क्या है आई और जे बराबर नहीं है तो यहां पर शून्य आएगा शून्य ए वन थ्री यानी आई जे इसमें भी बराबर नहीं है तो ये भी शून्य होगा। इसी प्रकार ए टू वन आई और जे बराबर नहीं है आई का मान टू और जे का मान वन तो ये शून्य ए टू टू यानी आई और जे दोनों ही दो है तो यहां पर कोई भी मान जैसे चार ए टू थ्री यानी आई और जे का मान बराबर नहीं है तो शून्य ए थ्री वन आई और जे बराबर नहीं है ए थ्री टू में भी बराबर नहीं है ए थ्री थ्री ये क्या है बराबर है तो इसमें तीन तो ये क्या है ये विकर्ण हो गया। विकर्ण आवयव में विकर्ण को छोड़कर सभी आवयव क्या होंगे शून्य होंगे समझते हैं विकर्ण त्रिभुज और चतुर्भुज और में देखा है आपने विकर्ण त्रिभुजों में भी विकर्ण होते हैं तो इसे क्या कहेंगे विकर्ण आवयव या तीन इंटू तीन का एक विकर्ण आवयव ऐसा वर्ग आवयव जिसमें विकर्णों को छोड़कर सभी आवयव क्या हो शून्य हो तो क्या कहलाता है विकर्ण आवयव या डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनेटिक सी क्रॉस है और मैं सूत्र व्यापक रूप समझ में आ गया आपका। यहाँ पर मान लेते जाएंगे 1 2 3 a11 a12 के स्थान पर शून्य लिख देंगे, इस प्रकार चला जाएगा a11 a22 a33 डॉट 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 ann, इस प्रकार बाकी सभी अवयव शून्य आएंगे। ठीक है, यहां भी शून्य, इस प्रकार चलते जाएंगे। ये n इंटू n का वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव है, इस विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या है शून्य है। ठीक है, विकर्ण आयु के बाद अधिस आयु, ऐसा विकर्ण आयु जिसमें क्या है विकर्ण के सभी अवयव समान हो अधिस आयु कहलाता है। 500 प्रकार अधिस आयु, अधिस आयु स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा विकर्ण आयु जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो समान हो, सभी अवयव के मान बराबर हो, अधिस आयु कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ए आई जे ए इक्वल ए आई जे एन इंटू एन, ठीक है, ए आई जे इक्वल शून्य, इफ आई डज नॉट इक्वल जे, ए आई जे इक्वल के, इफ आई इक्वल जे, ये दो कंडीशन होगी इसमें, ए आई जे इक्वल शून्य इफ आई इक्वल जे, यानी आई और जे का मान बराबर नहीं होगा तो मान क्या होगा, ए आई जे का मान क्या होगा, अवयव का मान शून्य होगा, और ए आई जे में आई इक्वल जे का मान बराबर होगा तो अवयव क्या होगा, यानी सभी के होगा, एक ही मान होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स रहती है 3×3 की, a11 5, a22 5, a33 5 और बाकी सभी अवयव शून्य, ये क्या है 3×3 का अधिस आयु स्केलर मैट्रिक्स है, जिसमें क्या है विकर्ण के अवयव क्या है छोड़कर सभी अवयव शून्य है और विकर्ण के अवयव सभी क्या है बराबर है, a11 इक्वल a22 इक्वल a33 इसी प्रकार इक्वल ann, तो वो क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स होगी।